शिक्षा का उपयोग। यह प्रेरणादायक कहानी शैक्षिक मूल्यों और मानव व्यवहार पर आधारित है। इस कहानी में परमानंद और उनका शिष्य बहुत परिश्रम तथा निस्वार्थ भाव से अपना अध्यापन कार्य करते हैं, जबकि परमानंद का पुत्र आनंद देव वैसा नहीं करता। कहानी पढ़कर देखो कि किसने क्या किया। एक छोटे से गांव में परमानंद नामक एक विद्वान रहता था। उस गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ थे। परमानंद ने सोचा कि सारे गांव के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। यह सोचकर उसने अपने घर पर पाठशाला खोली। जो भी परमानंद के पास पढ़ने आया, उसे उन्होंने दिल लगा कर पढ़ाया। हर कोई उसे शिक्षा के बदले में दक्षिणा देने लगा। परमानंद गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त में ही शिक्षा देता, बल्कि खाना कपड़ा देकर उनकी मदद भी करता था। एक बार उस गांव में चैतन्य नामक एक महाविद्वान आया। वह कई राजा महाराजाओं से सम्मान भी पा चुका था। परमानंद द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा अभियान का समाचार सुनकर वह उसको देखने आया। 3 दिन तक चैतन्य परमानंद का अतिथि बना रहा। उसने गांव के लोगों के सामने परमानंद के शिक्षा दान की बड़ी प्रशंसा की। चलते समय उसने परमानंद को पुरस्कार के रूप में सम्मान पत्र तथा धन दिया और उससे विदा ली। महाविद्वान चैतन्य के आने से परमानंद के प्रति गांव के प्रमुख व्यक्तियों का आदर भाव दुगुना हो गया था। उन सब ने परमानंद की आर्थिक सहायता भी की। उस धन से परमानंद ने अन्य गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा और सबके खाने पीने का भी इंतजाम किया। इस कारण आसपास के गांवों के विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आने लगे। जब पाठशाला की अच्छी उन्नति होने लगी, तब परमानंद का अचानक देहांत हो गया। पाठशाला चलाने की जिम्मेदारी परमानंद के पुत्र आनंद देव पर आ पड़ी। आनंद देव भी अपने पिता के समान योग्य व प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका स्वभाव परमानंद से भिन्न था। परमानंद ने जिस ढंग से पाठशाला चलाई, वह आनंद देव को पसंद ना आया। वह कुछ बदलाव लाना चाहता था। परमानंद ने धन का सारा उपयोग परिवार के भरण पोषण में ना करके शिक्षा पर किया था। आनंद देव ने कुछ नियम बनाए, जिनमें से एक था कि प्रत्येक विद्यार्थी को उचित शिक्षा शुल्क देना होगा एवं प्रत्येक को खाने व कपड़ों का खर्चा स्वयं वहन करना होगा। इन नियमों के अमल में आते ही गरीब विद्यार्थियों ने पाठशाला छोड़ दी। धीरे धीरे पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या घटने लगी। आनंद देव अधिक धन देने वालों को मन लगाकर पढ़ाता और कम धन देने वाले विद्यार्थियों की ओर बिल्कुल ध्यान न देता था। कुछ समय व्यतीत होने पर विद्यार्थियों की संख्या काफी कम हो गई। परमानंद के समय जो कीर्ति थी, वह भी सिमट गई। इस तरह एक साल के अंदर ही पाठशाला लगभग बंद सी हो गई। आनंद देव के पास विद्यार्थियों के नाम पर केवल 2-3 विद्यार्थी ही बचे। उनकी दक्षिणा से आनंद देव को परिवार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसने जो सोचा था, उसके विपरीत ही हुआ। उसी गांव में देवव्रत नामक एक गरीब युवक रहता था। वह आनंद देव के पिता परमानंद का परम शिष्य था। वह दिन भर खेत में काम करता और शाम को गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाता था। वह विद्यार्थियों को मुफ्त में ही शिक्षा देता था। आनंद देव की पाठशाला के सारे विद्यार्थी देवव्रत से शिक्षा ग्रहण करने लगे। कुछ ही समय में देवव्रत की लोकप्रियता बढ़ गई। आनंद देव उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। उसने सारे गांव में अफवाह फैला दी
कि देवव्रत उससे ईर्ष्या करता है, इसलिए उसने अलग से पाठशाला खोलकर हमारे विद्यार्थियों को बहला फुसला दिया है और उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है। देवव्रत तो सिर्फ एक खेतीहर मजदूर, वह भला शिक्षा को क्या जाने। इस प्रकार आनंद देव ने देवव्रत के विरुद्ध दुष्प्रचार किया, फिर भी उसकी पाठशाला में कोई विद्यार्थी नहीं गया। एक दिन आनंद देव के कानों में यह खबर पड़ी कि महाविद्वान चैतन्य गांव में आए हैं और दो दिन से देवव्रत के यहाँ रह रहे हैं। गांव का प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति देवव्रत के घर पहुंच रहे हैं और वहां पर गोष्ठियां हो रही हैं। तीसरे दिन आनंद देव देवव्रत के घर पहुंचा। चैतन्य ने शिक्षा दान पर चर्चा करते हुए गांव के प्रमुखों से कहा, देवव्रत जो शिक्षा दान कर रहा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। अन्य दानों के समान शिक्षा दान भी प्रशंसा के योग्य है। शिक्षा दान करने वाला व्यक्ति महापुरुषों की श्रेणी में आता है। परमानंद का सच्चा शिष्य और उत्तराधिकारी देवव्रत ही है। चैतन्य के चले जाने के बाद देवव्रत की पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या काफी बढ़ गई। उसे अनेक लोगों से चंदा प्राप्त हुआ। गांव के आसपास के विद्यार्थी भी उसकी पाठशाला में आने लगे। अब देवव्रत ने खेत पर काम करना बंद करके पूरी तरह से पाठशाला का ही काम करना शुरू कर दिया। देवव्रत गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता था तथा उनके खाने व कपड़े का इंतजाम भी करता था। कुछ दिनों बाद देवव्रत महाविद्वान कहलाया।